सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लगी तो नहीं? पता नहीं अचानक क्या हुआ। चलिए आपने बहुत काम कर लिया, आप आराम करिए। नहीं नहीं ऋषभ। चाची मैं बोल रहा हूँ ना आपको, चलिए आइए आइए आराम से। ऋषभ तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। देर हो रहा है, टिफिन रेडी हो गया? हाँ जी जी बस एक मिनट में लाई। तो तुम्हारा दिल्ली का एडमिशन कब हुआ जी? बस पापा दो तीन दिन में पता लग जाएगा। अच्छा चलो फिर जल्दी करो। अब क्या लेट करा कोई टिफिन दोगी क्या? ये क्या गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं अब शगुन हो गया, गलती छिपा रही हो। तुम क्या बीबी को देखते रहोगे? ऑफिस नहीं जाना है? अरे ये लगाओ, ये लगाना भी नहीं आता। पैसे चाहिए खाली, पकड़ो इसे। और हाँ आज लंच का पैसा तुम्हारे पगार से कटेगा, समझे? चलो अरे किधर वो ऑफिस? हमारी औकात गाड़ी में जाने की है, काम तो तुमसे कुछ होता नहीं है, पैसा तुमको हमेशा चाहिए। हमारी औकात के हिसाब से देखो क्या मंगा के रखे हैं। आज के बाद ऑफिस अपनी औकात के हिसाब से उसी से आना, समझे? चलो ब्रीफकेस रखो। अरे बोलो भाई साहब सेठ है फिर भी मुझे ये खटारा स्कूटर दे दिया चलाने के लिए। लगता है जीत जी गुस्सा हो गए। चाची पापा को गुस्सा तो दो पल का है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कभी आप पर गुस्सा होंगे तो मैं हूं ना। क्या हैंडसम लग रहा है, क्या सेल्फी बन रहा है आपका। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। आज काफी हैंडसम लग रहे हैं। हाँ हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे तुम भी रोज की तरह सो ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। अच्छा रागनी शर्मा ज्वेलर्स की फाइल का क्या हुआ? वो तो तीन दिन पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी ना, तो अभी कहाँ है वो फाइल? सर वो फाइल तो मैंने तीन दिन पहले पुनीत जी के डेवल पहुंचा दी है, लगता है वो भूल गए होंगे सर। पुनीत? अरे पुनीत निकम्मा। पुनीत जी भाई साहब शर्मा ज्वेलर्स की फाइल कहाँ है अभी? वो फाइल तो आज सुबह ही रागिनी ने मुझे दी। क्या सर आपको लगता है मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? कुछ भी पक्का मत कर समझे। अरे 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 नहीं रागिनी इतने खूबसूरत चेहरे पे ऐसे नहीं आंसू नहीं निकालते। अरे अरे सर ये क्या क्या चलो तुम अपने काम पे जाओ। सर वो मेरी सैलरी बढ़ानी थी ना, मेरे घर पे प्रॉब्लम है कुछ। ओह श्योर 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 इस महीने से 15% इंक्रीमेंट।
थैंक यू सो मच सर, आप कितने अच्छे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू या थैंक यू सर। भाई साहब वही गलत है। खैर आपने मुझे कहा था कि इस महीने से मेरा प्रमोशन और मेरी सैलरी भी बढ़ाने वाले थे। दूसरों की गलती गिनाने से पहले खुद में देख निकम्मा, तू खुद क्या है। साल भर से रखा हूं तुझे, एक ढंग का काम नहीं किया है, एक भी नहीं। और क्या भाई साहब लग रहा था, साहिब हूं तेरा, बॉस हूं, समझे। तर घर में ऑफिस है, ये तुझे नौकरी दी, आना दिया घर दिया। एहसान मान मेरा कि अगर तुझे यहां नहीं रखता ना तो अपनी बीवी के साथ गली गली भीख मांग रहा था तू। दोबारा मुझसे बात मत करना ये सब, समझा। निकम्मा कहीं का क्या काम कर, सैलरी चाहिए। रेशम रोटी जी, जी जी ये बहुत अच्छी बनी है। अब जी देखिए, दाल भी बहुत अच्छी है। आप चाहिए क्या हुआ दिल्ली जाने का? जी पापा वो एडमिशन हो गया है, कल जाना है। मन लगा के पढ़ना वहाँ? जी पापा। कैसे कि जो हमारा बिजनेस है हमारे बाद कौन संभालेगा, तुम ही ना? जी संभाल लूंगा पापा, आप सबको मिस करूंगा मैं। आप सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते? भाई साहब है ना, ओ सॉरी बॉस, बॉस है ना, ऑफिस में क्या कम बेइज्जती करते हैं? तुम्हारे सामने बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो आपके कहने पर मैंने अपनी सहेली रूपा से 20,000 रुपए उधार लिए थे 2 महीने के लिए, उसको पैसे लौटाने वो वापस मांग रही है। नहीं है पैसे अभी, कुछ वक्त और मांग लो। 2 के 4 महीने हो गए, किसी के सामने कुछ बोल दिया तो डर लगता है कहीं आपकी इज्जत। ठीक है भाई साहब से बात करूंगा। हर बात पे भाई साहब से बात, ऐसे कब तक चलेगा? तो करूंगी तो क्या, हा? मेहनत भी करता हूं, चापलूसी भी करता हूं, पर भाई साहब हैं कि मानते ही नहीं, ना पगार बढ़ाते हैं ना प्रमोशन देते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि गला दबा दूं उस बुड्ढे खूसट का। जाने दीजिए इन सब बातों को, आप परेशान मत होइए, मैं रूपा से बात कर लूंगी। मेरे लिए आपसे और आपकी खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। तरस मत खाओ यार मुझ पर। सही कहते हैं लोग, दुख के बाद ही सुख आता है। हरी है जी, आप कहाँ हैं? हम कौन फोन कर दिया? हेलो डार्लिंग, कैसी हो? अरे पैसे की चिंता मत करो, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास। अरे उम्र का क्या है, और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, एक बार मिलोगी ना, मिलोगी। अरे हेलो हेलो डाली, मिलने के नाम से ही सॉरी। अरे छोड़ो यार, भाई साहब इधर इधर, क्यों आए थे? वो एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो। एडवांस में टर्मिनेशन लेटर देते हैं, जब देखो तब मुंह उठा के पैसा पैसा करने आ जाते हो। पैसा वो रश्मि ने, बहाना नहीं, रश्मि हम मियां बीबी मिलकर लूटते हैं मुझे, ऐसे पेपर पलते हैं। चल भागा,
पत्थर बनकर खड़े हो जाते सर पे, बुद्ध बन के बैठे यहां से, दिमाग खराब कर दिया है। हमारा पेमेंट आरटीजीएस हो जाएगा, बाकी सबको बांट दो। हाँ जी, नहीं नहीं टाइम पे डिलीवरी होगा। मेरा खाली है। खाली मेरे पास तो है, ऐसे कैसे हो गया भाई साहब? जी एक मिनट, मैं कॉल, हाँ जी मैं कॉल करता हूँ। इतने अनकल्चर्ड हो, फोन पे बात करो, बीच में टोकते हो। ओ ये खाली है मेरी तनख्वाह। हाँ शर्मा कंपनी का फाइल जो लेट से पहुंचने की वजह से लॉस जो हुआ है ना अपना कंपनी को, उसके एवज में आने वाले 3-4 महीने तक तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। और भाई साहब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा भाई साहब? उसकी क्या जरूरत है, मेरे घर में रहते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, तनख्वाह की जरूरत क्या है तुमको? अब चलो जल्दी से जाके काम करो, चले जाओ चलो। तिवारी जी आप ही कुछ मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। पुनीत तुझे तो पता मेरी हालत को टाइट है, इस तनख्वाह मेरा पूरा नहीं हो पाता, अब तुझे दूं। एक काम करना, अपने भाई से बात कर। अरे वही तो समझ नहीं आता कि उनसे कैसे बात करूं। अब देख बॉस से पैसा निकालना इतना आसान नहीं, बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। फोन आया था, राकेश की शादी तय हो गई है, बड़ी बहन होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, इकलौते जीजाजी होने के नाते मैं नहीं चाहती कि रिश्तेदारों के बीच में आपकी बेइज्जती हो। फिर वही बात, अरे कहां से लाऊं पैसे? कुछ भी करिए पर इस बार आपको इंतजाम करना ही होगा, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करिए। बॉस से तो कोई औरत ही पैसा निकाल सकती है। एक रास्ता है पर क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मतलब नहीं नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया आपका, छी आप इसे सोच भी कैसे सकते, मुझसे ये सब नहीं होगा। रश्मि रश्मि समझने की कोशिश करो, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे सोचना भी पाप है। नहीं रश्मि, पाप तो ऐसे घुट घुट के जीना है, हमारी जरूरतों को पूरा ना करना पाप है। मुझ पर भरोसा रखो रश्मि, तुम्हें मेरी कसम। नहीं नहीं होगा ये सब मुझसे, नामुमकिन नहीं है। नहीं ये गुस्सा मत दिलाओ, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा समझी? ये मेरा पुराना सिम है और ये नंबर इस शहर में किसी के पास भी नहीं, भाई साहब के पास भी नहीं। अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करते रहो, बिना कोई सवाल पूछे। देख कुछ नहीं होता है, देख को बनाने वाली बात अकेला बन। ये गलत है पापा, मैं कभी आपको पैसे के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। अरे नाटक मत करो रश्मि, कंगाली से बड़ा कोई पाप नहीं होता, कब तक मैं इसे घुट घुट के जीता रहूंगा? हमें ये मौका मिला है कुछ करने का, अमीर होने का, अब चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लिखो
मैं सपना, आपका सपना। जानती है हमको? जवाब दे, लिख। मैं आपको जानती हूं और पसंद भी करती हूं। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं होगा? प्यार से कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठा फोन, फोन उठाओ और लिखो, उठा और लिख। मैं आपको जानती हूं और पसंद भी करती हूं। लिख, अगर आप ठीक से देखेंगे तो अपने आसपास ही पाएंगे। गुड नाइट। लिख। मुझे इसे नहीं ठीक लग रहा। बस एक बार वो फंस जाए, फिर देखो कैसे इसे अपने इशारों पर नचाता हूं। पैसे की अहमियत एक सच्चाई है, लेकिन क्या यह अहमियत हमारे नैतिक मूल्यों और रिश्तों के सम्मान से भी बड़ी है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। लालच में अंधा पुनीत अपनी पत्नी रश्मि को गलत राह पर धकेल रहा था। एक पति जिस पर पत्नी के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो जिंदगी भर उसका साथ निभाने का वादा करता है, लेकिन जब वही पति अपनी पत्नी के सम्मान को ही दांव पे लगा दे तो गिरने की और क्या हद रह जाती है। इस आदमी ने खुद अपनी पत्नी को किसी गैर के हवाले कर दिया। पुनीत का भरोसा मेहनत और ईमानदारी से उठ चुका था और अब उसे अपनी पत्नी की कीमत पर ही सारी सुविधाओं को हासिल करना था। क्या उसे वो सब मिल पाएगा? क्या रश्मि अपने मान सम्मान को बचा पाएगी? ये लो और ये सभी फोटो सेंड करो उनको अभी। सो मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है, आप एक बार देख लीजिए। सर आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गर्दन पे कोई तिल है क्या? नहीं सर, मेरे गर्दन में कोई तिल नहीं है। ठीक है, जो ओके सर, थैंक यू। हेलो, सुनो, मैंने तुम्हें जो मैसेज सेंड किए हैं वो अभी के अभी उस नए नंबर से भाई साहब के नंबर पर सेंड करो। नहीं पुनीत जी, तुम्हें जितना बोला है उतना करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। जी जी ठीक है, मैं करती हूँ। बस भी करो, अब ये खेल तभी खत्म होगा जब वो हमारी मुट्ठी में होगा। तब तक जैसा कहता हूं चुपचाप वैसा करो। लिखो लिखो, आ रही हूं मैं आपके पास।
मैसेज करने तक एक बात थी, लेकिन उनके कमरे में जाना। जितना कहता हूँ सिर्फ उतना करो, चलो। पुनीत, मैं नहीं करूँगी ये, प्लीज मुझे उस बात समझने की कोशिश करो, चलो। पुनीत, पुनीत जी मुझे मुझे ये पकड़ो और जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो, जाओ। जाओ। अरे मेरी सपना, कब से तुम्हारा इंतजार था, आ गई। शक्ल भी देखी अपनी, जेठ होकर ऐसी हरकतें करता है, लिचड़ कहीं का तो है तुझ पे। जेठ जी, जेठ जी, पानी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? जी मुझसे ये सब नहीं होगा, घिन आ रही है मुझे अपने आप से। श्मी, अरे जिन्ना रही है? अरे जब हम अपना सपना पूरा करने के इतने करीब हैं, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? ऐसे नहीं करने मुझे अपने सपने पूरे, चल यहाँ से, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसों के लिए आप मुझसे ये सब करवाएंगे। कितनी बार समझाऊं, आज के जमाने में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुमसे मुझसे सबसे बढ़कर सिर्फ पैसा है, पैसा। देखो सुनो मेरी बात, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, फिर तुम जियो, तुम्हें जैसे जीना है, ठीक है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनको फंसाने के चक्कर में बात आगे बढ़ गई तो। तुम बात को आगे बढ़ने ही नहीं दोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बस बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर वो हमारी उंगलियों पे नाचेगा, समझ रही हो ना? सपना तो नहीं देख रहा हूं। देखो कल मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तुमने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। फंस गया बुड्ढा। क्या हुआ रश्मि, क्या हुआ? बच्चों मुझे घिन आ रही है मुझे अपने आप से। पैसों की बात हुई कुछ? तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है,
हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर परी बताओ पैसों की बात हुई कुछ? समय लगेगा, चाहे जितना भी समय लगे, पर शुरुआत हो गई है और नतीजा एक लॉटरी जीतने जैसा होगा। करोड़पति, अब तुम्हारा पति सिर्फ पति नहीं करोड़पति होगा। अब बचकर कहाँ जाएगा ये? अब तो ये मेरा गुलाम है और इसे आजादी तभी मिलेगी जब मैं चाहूंगा। और तुम रो क्यों रही हो? अरे पुनीत, कितना काम करोगे? जाओ बाहर जाओ और खाना वाना खा के आओ, ठीक है? थैंक यू सर। ये भी रख लो, अच्छे कपड़े वपड़े खरीद लेना। जा असली हीरों का हार है, तुम्हारे लिए हम लेके आए। देखो मुझे पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, तुम्हारा गला इस तरह खाली मुझे अच्छा लगेगा क्या? तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना, कुछ है कि नहीं? ये लो 1,00,000 रुपये तुम्हारा ही है, लो और देंगे, और चाहिए तो और देंगे। ऐसा तुमसे बढ़कर है क्या? हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, एक अपनापन है। और अपने बाबूजी से कहना किसी चीज की चिंता ना करें, न तुम्हारे भाई की शादी की न तुम्हारी। और हाँ, तुम भी किसी चीज की चिंता मत करना, हम हैं ना और हमेशा तुम्हारे रहेंगे। हम तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखे, बहुत खूबसूरत हो तुम, पर शायद हमारी जिंदगी में कोई आएगी भी नहीं। तुम्हारा दर्जा ईश्वर से भी बढ़कर है हमारे लिए, है ना? अरे हाँ, साड़ी भी तो लाया था, ये नई साड़ी है तुम्हारे लिए। देखो तुम मेरी हो, बदल लो अपने आप को मेरे लिए। शॉपिंग? अरे कुंदन भाई साहब के तो तेवर ही बदले हुए थे, होटल में खाना, कपड़ों की शॉपिंग, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। अच्छा तुम्हें कुछ दिया उन्होंने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अजीब है, ऑफिस से तो 1,00,000 रुपए विड्रॉ किए उन्होंने और तुम्हें नहीं दिए, तो फिर किसे दिए? मुझे क्या पता।
क्या हुआ, तुम सोई नहीं था? नहीं, अच्छा हुआ पुनीत तुम आ गए, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज दबा दो ना। पहले सारा दिन ऑफिस में काम करूं और यहाँ के तुम्हारी सेवा करूं। दवाई लो और सो जाओ। रश्मि ने हालात से समझौता करके अपने जेठ से रिश्ता कायम कर लिया और इस गलत राह पर वो आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्या रश्मि और कुंदन का रिश्ता सच्चा था या दो मौका परस्त लोग साथ आ गए थे? आखिर कहां तक जाने वाला था ये खेल? इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? अरे किसका फोन आ गया? हाँ, मैंने कह दिया। हाँ, काहे नहीं जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बाद में बात करते हैं जी। देखिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया है रागनी को। देखिए मैं रागनी से बाद में नहीं, अभी बात करनी है। एक पागल आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बताओ कौन सा पहाड़ टूट गया तुम पर जो बात करना जरूरी है तुम्हारे लिए? बस बहुत हो गया भाई साहब। क्या बहुत हो गया? अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। भगवान ने बोल दिया क्या? क्योंकि टाइम बदल गया है ना। अच्छा, पर अंतर्यामी हो, हमारा टाइम तो बहुत पहले से अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है, भगवान करेंगे अच्छा चलता रहेगा। तुम बताओ तुम कहीं के लिए उछलने लगे? क्योंकि उछलने का टाइम मेरा है। अब मुझे सिर्फ पगार में बढ़ोतरी नहीं तो प्रमोशन भी चाहिए, कंपनी में 10% पार्टनरशिप और एक सेपरेट कैबिन भी चाहिए। क्या ऐसा कर लिया आप, किस खुशी में आपको ये सब दे दिया जाए? क्योंकि आई थिंक मैं सब डिजर्व करता हूँ। और मैं सब क्यों डिजर्व करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। खाने में क्या खा लिए थे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है? क्या कह रहे थे? डिजर्व करते हो ना झाड़ू पोछा लगाना। अब ऑफिस में तुम झाड़ू पोछा लगाओगे, प्रमोशन में डिमोशन हो गया तुम्हारा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर दे दो। मैं चला जाऊंगा। चले जा। मैं रश्मि को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई रश्मि से जाके पूछो ना, वो तुम्हारे साथ ये घर को छोड़ने को तैयार है क्या? हाँ, अगर हाउस के बाद भी जाने को तैयार हो गया तो तुम लोग दोनों जाओ, प्रभु की जैसी इच्छा। हमको कुनो पड़ी हुई है क्या? चलो, भारी बने हुए हैं हमारे ऊपर, चलिए। रश्मि चलो अंदर। आप जाइए, मैं आती। मैंने कहा चलो अंदर। क्या कर रहे हो आप? अरे ये कौन सा तरीका है जी? आप चुप रहिए, मेरी बीवी है ये, जैसे मर्जी बात करूं, हम दोनों के बीच मत पड़िए। चलो अंदर। पुनीत जी क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। देखो तुम अभी होश में नहीं हो। होश में तो मैं अब आया हूँ। क्या है ये? हाँ, क्या है ये? तुम उस टीचर के लिए मुझे धोखा देती रही, मैं तुमसे पूछता रहा और तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। छी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी। शर्म तुम्हें नहीं आएगी तो और किसको आएगी? मेरे पत्नी व्रता पति, ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किसने किया? ज्यादा होशियारी मत पहले समझी ना, इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारा, इस्तेमाल करके फेंक देगा और पूछेगा भी नहीं। आखिर में तुम्हारा पति मैं हूँ। मैं बड़ा पति बनने आए हो तब कहा थे जब मुझे मार पीट कर जबरदस्ती जेठ जी के पास भेजते थे? रश्मि हाथ उठाया तो हाथ तोड़ कर फेंक दूंगी, बहुत सह लिया मैंने। अब और नहीं, ये सब तुम्हीं ने कहा था ना करने के लिए, चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जेठ जी से बात करके तुम्हारी नौकरी फिर से वहां पे लगवा दूंगी। और रही बात इन पैसों की और इन हीरो की हार की, तो ये सब मैंने कमाया है।
इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए चुपचाप जहां से उठाया था वहीं रख देना। अब तुम बस समाज के लिए नाम के पति हो, बस सब कुछ नहीं। अरे आए पति बनने, निकम्मे कहीं के। अरे बाप, पुनीत घर पे है? तभी तुम इतना समझदार हो। ये जो तुम्हारा प्यार करने का तरीका है ना, वो लाजवाब है, बस इसीलिए तुम दीवाने हो यार, समझे? और इस प्यार के खातिर तो तुम कुछ भी कर सकते हैं। सच में? कुछ भी? कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपकी बन के रहूँ। पर तो इसमें हर्ज क्या है? आप, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ बेडरूम के चार दीवारी तक ही रह जाए। तभी सत्य आ गए हम लोग। मैं हमारे रिश्ते के नाम देना चाहती हूँ। पुनीत को तलाक देकर आपसे शादी करना चाहती हूँ। औकात मेरे, ऊंची उड़ान नहीं चाहिए, जमीन पे रहने की कोशिश कर, हद में। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। मैं हमेशा आपकी बन के रहूंगी, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम खुशी खुशी अपने जीवन जिएंगे। हाँ, तुम औरतों का यही एक प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ने का मौका दो ना तो गले तक आ जाती हो और गले में हड्डी की तरह अटक जाती हो। जो सब कुछ चल रहा है ना, चुपचाप चलने दो। और हाँ, बेशक दिल्ली से आने वाला है, उसको ये सब नाटक नहीं पता चलना चाहिए। मुंह बांध। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे अपना लीजिए। मुझे आपसे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा? जल्दी, मैं हूँ, लेट हो रहा है। टिफिन तैयार कर जल्दी। चाची, चाची देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चाची, ऋषभ। चाची, चाची क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अच्छा ऋषभ, तुम आ गए। मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई थी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। चाची आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आ गया हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। आप चलिए आराम कीजिए, चलिए आप आराम कीजिए। कुंदन, कहाँ छुपा है कुंदन, बाहर निकल। कौन अलग? अरे सुनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह पी रखी है? अबे चुप, आज मैं तुझे यहाँ नंगा करने आया हूँ, तेरे सारे राज सबके सामने खोलूंगा। भेड़िया है ये, भेड़िया। माथा चल रहा है यहाँ? सड़क चल रहा है, अपने अपना काम करो। चलो आ जा। क्या बात अंदर? बहुत झाड़ लिया तूने ऑर्डर, अब तू खुद अपना बंद कर और मेरी सुन। अब मुझे कंपनी में 25% पार्टनरशिप चाहिए, वरना मैं तेरे और रश्मि के बारे में तेरे बेटे को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। हाँ, मुझे नहीं छोड़ेगा तू, तू नहीं छोड़ेगा मुझे। चल निकल यहाँ से। सुन, तू जानता नहीं मुझे, जिंदगी बना सकते हैं ना, तू बिगाड़ भी सकते हैं तुम्हारा, समझे? जिंदा रहना चाहता है ना, तो निकल ले यहाँ से, जान से मार देगा, जान से मार देगा, समझा? भाई यहाँ से छोड़ूंगा नहीं तुझे, निकल। Thank you.
ताकि प्रायोरिटी मिले। मिस्टर कुंदन जी, चलिए हमारे साथ। मैंने क्या किया? अपने भाई को जान से मारने के बाद पूछ रहे हो मैंने क्या किया? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? कोई गलतफहमी हुई होगा आपको। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन पर चलकर बोलिए। चलिए चलिए चलिए। अब और नाटक नहीं होता मुझसे। चाची, चाची इधर आ। देखा चाची, मैंने कहा था ना कि जैसा तुम मुझे बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। देखा, पहले तुम्हारे पति को उड़ा दिया। और फिर तुम्हारे बाप को जेल भिजवा दिया। ये लाखों करोड़ों रुपए, ये सब ज्वेलरियां सब हमारे बाप। आई लव यू रश्मि। नो 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 चाची, ओनली रश्मि, मेरी प्यारी रश्मि। आई लव यू टू रश्मि। I love you, Rishma. Chachi. ऋषभ, ठीक तो ना? सर, पापा को जेल में डाल दीजिए सर। चाची निर्दोष, इंस्पेक्टर साहब। अरे गधा बेवकूफ, देख इसके हाथ में क्या है। समय पे नहीं आते ना, मुंह दबा के मार देती तुमको। चाची निर्दोष है। नागिन, तू गहरा तौरा तेरे बेटे को भी। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली। गाड़ी की चाबी की एक कॉपी ऋषभ के पास होती है। जैसे ही सर ने कहा कि पुनीत की मौत मेरे गाड़ी की टक्कर से हुई है, तभी समझ गए थे कि तुम्हारी चाल है। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, सबके सामने लाना था। बोल के क्यों सर? क्यों क्या तुमने सर? तो और क्या करती? जब से इस घर में कदम रखा तूने और तेरे बेटे ने मुझे सब बुरी नजर से ही देखा। मेरा पति पुनीत, वो भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाह। पति से तंग आकर जब मैंने जेठ जी से शादी की बात की तो उन्होंने मुझे पैर की जूती समझकर ठुकरा लिया। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तेरे जैसे परेमी का एक ही अंजाम होना चाहिए, वो है मौत। मैं मार डालूंगी तुझे। अरे चल बंद करो ये सब तुम दोनों। तो और क्या करती मैं? मैंने अपने पति पर विश्वास किया, उसने भी धोखा दिया। जेठ जी पर विश्वास किया, इन्होंने भी मुझे धोखा दिया। ओ मैडम, आंसू बहाने से खून के धब्बे नहीं धुल जाते। और अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर किया था, मजबूर किया था, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अब अपने पति को मारने के बाद कह रही हो मैंने क्या किया। ले चलो सबको, अब तुम लोगों की सारी जिंदगी कटने वाली है जेल में। चलो चलो। इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो सब दोषी थे। सबसे बड़ा दोषी था पुनीत, जिसने अपनी पत्नी को मर्यादा पार करने पर मजबूर किया। लेकिन अगर रश्मि बिना डरे मना कर देती तो बात वहीं खत्म हो जाती। अगर कुंदन और उसके बेटे का चरित्र साफ होता तो भी बात आगे नहीं बढ़ती।
ना ही पूरा का पूरा घर बर्बाद होता और ना ही पुनीत की जान जाती। ऋषभ को पुनीत की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई और रश्मि पर पुनीत की हत्या की साजिश को अंजाम देने और ऋषभ की हत्या की कोशिश करने पर आईपीसी की धारा 300 और 120 ए के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, शॉर्टकट किसी मुश्किल का हल नहीं होता। जैसा रास्ता हम चुनते हैं उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।